हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग M31 को हैंग ऑन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M31, जो कि सैमसंग लिखकर हैंग ऑन लोगों पर अटका रहता है और ये ऑन नहीं होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये अटका हुआ है। तो इसके लिए सिंपल से आपको एक बार अगर बैटरी फ्यूज है तो बैटरी फ्यूज को जंपर करके देख लेना, सेकंड टाइम में आपको बैटरी चेंज करके देख लेना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो चलिए हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर बैटरी चेंज करके देख लिया है, कोई भी इसमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला हमको। तो अब यहाँ पर हम बोर्ड को कदर होता है क्रिस्टल IC, उसको हमें किस तरीके से पेस्टिंग वगैरह करना है सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सिंपल से हम सबसे पहले इससे बोर्ड को बाहर कर लेते हैं मोबाइल से। तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड को हमने बाहर कर लिया है। अब उसके बाद आपको सारे कैमरे को बाहर कर लेना है और उसके बाद कहाँ पे हमें पेस्टिंग करना है वो सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी होगी IC। यहाँ पर थोड़ा सा शील्ड जो है सिंपल से आपको कट करना है कटर की मदद से, बहुत ही आसानी से कटना है फ्रेंड, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए ओनली, वरना आपका जो फ़ोन है वो डेड हो सकता है। तो हम बड़े ही आसानी से सावधानी के साथ इसका जो सील्ड है उसे कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सील्ड कट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं IC के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा डेंट दिखाई दे रहा है, डैमेज हल्का सा। तो फिलहाल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इतने से। तो एक बार मैं इसको चेक भी कर लूँगा कि हमारा जो बोर्ड है कहीं डेड तो नहीं हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, फिर वापस से हम फिट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है ऑन है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, सिंपल सा इजीली हमने कर लिया इसको। अब यहाँ पर हमें पेस्टिंग करना है। पेस्टिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल IC होती है पावर IC के बगल में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसके पहले आपको सिंपल से फ्लक्स पेस्ट इसके ऊपर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर को 350 रखना है और एयर को 1 या फिर 1+ रख सकते हैं आप, सिंपल 1 रख सकते हैं इजीली, ठीक है। और ध्यान रहे बगल में पावर IC है, उस पर हीट नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमें जो हमारा क्रिस्टल IC ये बीच का जो कैपेसिटर के बगल में है उसी को हीट मारना है और इसको थोड़ा सा मोमेंट देना है, उसके बाद वापस छोड़ देना है अपनी जगह पे, ठीक है। तो फ्रेंड हमने पेस्टिंग कर लिया है सिंपल से और इसको अब थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड लगभग हमारा बोर्ड जो है ठंडा हो चुका है, वापस हम इसे फिट करेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता, या हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हैंग ऑन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से आप सैमसंग M31 का हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपका इससे भी बात नहीं बनती तो आपका जो CPU है उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, वो सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपल से बैटरी फ्यूज और बैटरी चेक करना है, सेकेंड में आपको यहाँ पर क्रिस्टल IC को पेस्टिंग करना है
और थर्ड में हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा ऐसे में हमारा सेकंड स्टेप में ही फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप M31 का हैंग और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।